हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, एक बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूलाज देखते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम यह कहता है कि जो विभव है वो इज इक्वल्स टू होता है प्रतिरोध इंटू धारा के। प्रतिरोध बराबर हो जाएगा V अपॉन I, और चालकता जो होती है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है, और प्रतिरोध जो होता है वो L अपॉन A होता है। L अपॉन A L के समानुपाती होता है और A के व्युत्क्रमानुपाती है। L अर्थात लंबाई के समानुपाती, A अर्थात अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि तार जितनी ज़्यादा लंबाई में होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो जितना ज़्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। रो यहाँ पर दर्शाता है विशिष्ट प्रतिरोध को। इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। फिर है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे? विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहेंगे। विशिष्ट चालकता इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन रो, एंड कप्पा विशिष्ट चालकता को दर्शाते हैं कप्पा से। तो कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, क्योंकि रो इज इक्वल्स टू होता है आर इंटू ए अपॉन एल, तो इसका जस्ट इन्वर्स हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। तो कप्पा इज इक्वल्स टू हमें पता है 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू होता है सी, तो कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू एल अपॉन ए। एक और टर्म हम देखेंगे, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक हर एक सेल के लिए निश्चित होता है, यानी कि उसकी तार जो दो इलेक्ट्रोड हैं उनके बीच की दूरी निश्चित होती है, और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो भी निश्चित होता है। तो उसका सेल स्थिरांक, किसी भी सेल के लिए सेल स्थिरांक उसी के ऊपर लिखा हुआ होता है। सेल स्थिरांक जी स्टार इज इक्वल्स टू होता है एल अपॉन ए। तो यहाँ पर हमने देखा था कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए की जगह पर हम जी स्टार लिख सकते हैं, इसका मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू जी स्टार, या फिर कप्पा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सी इंटू जी स्टार। सी यहाँ पर दर्शाता है चालकता को। चालकता हमें पता है प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, इसका मतलब कप्पा इज इक्वल्स टू सी इंटू जी स्टार। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मोलर चालकता को। मोलर चालकता जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा एम से, इज इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा यानी विशिष्ट चालकता इंटू 1000 बट अपॉन एम। एम यहाँ पर दर्शा रही है मोलरिटी को। मोलरिटी की जगह पर हम मोलर कंसंट्रेशन को भी ले सकते हैं, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। अब यदि हम देखें तुल्यांक की चालकता को, तो तुल्यांक की चालकता इज इक्वल्स टू होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। एन यहाँ पर नॉर्मेलिटी को दर्शाता है। नॉर्मेलिटी टर्म आता है तुल्यांक की भार से संबंधित होता है, इसलिए तुल्यांक की चालकता इज इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। फैराडे के फर्स्ट लॉ से, फैराडे के फर्स्ट लॉ से हमें पता है W इज इक्वल्स टू होता है ZIT। यहाँ पर Z जो है वो दर्शाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक को। यहाँ पर Z इज इक्वल्स टू होगा E अपॉन F। E यहाँ पर है E अपॉन F। F यहाँ पर फैराडे में इसका मान होता है, और फैराडे में इसका जो मान होता है वो होता है 96500। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा Z इंटू क्यू। यहाँ पर E जो है वो तुल्यांक की भार को दर्शाता है। फैराडे के सेकेंड लॉ जो है वो होता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। इसका मतलब है W जो है यानी कि इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई पदार्थ की मात्रा, वो समानुपाती होता है उसके तुल्यांक की भार के। तो ये दर्शाता है सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ दर्शाता है W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, यानी कि जो पदार्थ की मात्रा है वो किसके बराबर होती है, वहाँ पर प्रवाहित विद्युत धारा की जो मात्रा है उसके बराबर होती है। अब हम देखते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ होता है लैम्डा एम अनंत, यानी अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसके अवयवों अर्थात धनायनों और ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो धनायनों की अनंत तनुता पर चालकता प्लस हो जाएगा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकता। यहाँ पर V प्लस और V माइनस ये दर्शाते हैं सूत्र इकाई को, जो कि आयनों के आगे उपस्थित होते हैं।
नैनष्ट समीकरण, नैनष्ट समीकरण क्या कहता है? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.059 अपॉन n, यहाँ पर n है इलेक्ट्रॉन की संख्या, लॉग m n प्लस अपॉन यानी कि जो आयन होते हैं वो, और m इन दोनों की सांद्रता। अगर नैनष्ट समीकरण से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये सूत्र उपयोग में लेना। मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, यहाँ पर एन जो है वो इलेक्ट्रॉन संख्या है, एफ है यहाँ पर फैराडे, ई नॉट सेल है सेल का विभव। अब इसकी जगह पर ये भी सूत्र हो सकता है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT लॉग के सी, यहाँ पर के सी जो है वो है गैस कॉन्स्टेंट, सॉरी के सी जो है वो है साम्य स्थिरांक, आर है गैस कांस्टेंट, टी है टेम्परेचर जो कि होता है रूम टेम्परेचर जिसको हम कहेंगे सामान्य ताप जो होता है वो, और के सी का मतलब है साम्य स्थिरांक, या फिर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू हो सकता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n लॉग के सी। अगर साम्य स्थिरांक का मान दिया गया है तो हम सेल विभव का मान निकाल सकते हैं, या सेल विभव का मान हमें यदि दिया गया है, सेल इलेक्ट्रोड विभव का मान यदि हमें दिया गया है तो हम साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर है वियोजन की मात्रा यदि हमें पूछ ली जाए और इन दोनों का मान दिया गया हो, यानी कि सी सांद्रता पर मोलर चालकता और अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों के मान दिए गए हो तो हमें वियोजन की मात्रा पूछी जा सकती है। तो इसका सूत्र हो जाएगा अल्फा यानी कि वियोजन की मात्रा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम सी, सी सांद्रता पर मोलर चालकता अपॉन अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो इस प्रकार से हम इस पदार्थ की वियोजन की मात्रा, किसी विद्युत अपघटक की वियोजन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, इन सारे जो फॉर्मूलाज हैं उनसे संबंधित हम लाइन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन मैंने आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर एक टॉपिक के एंड में सभी का अलग अलग करवाया हुआ है। आपको अगर बिल्कुल भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए, और इस वीडियो से भी आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.05 मोल लीटर इन्वर्स NaOH विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध हमें दिया गया है मोल लीटर इन्वर्स यानी कि हमको इसकी मोलारिटी सांद्रता दी गई है, प्रतिरोध का मान दिया गया है, इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी हमें प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी कि रो निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है, विशिष्ट चालकता यानी कि हमें निकालना है कप्पा निकालना है, और मोलर चालकता यानी कि हमें लैम्डा एम निकालना है, ये तीनों हमें मान निकालने हैं, इन तीनों का परिकलन करना है। तो सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का उसमें क्या क्या दिया गया है, क्या क्या गिवन वैल्यू है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है सांद्रता, हमें इसमें दी गई है सांद्रता यानी कि m इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है 0.05 मोल लीटर इन्वर्स। फिर हमें प्रतिरोध दिया गया है, प्रतिरोध यहाँ पर R से इसको दर्शाते हैं, प्रतिरोध है 5.55, विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10³³ ओम है। फिर हमें व्यास दिया गया है, व्यास हमें दिया गया है जो कि है 1 सेंटीमीटर, यदि इसमें व्यास होता है d, हमें पता है d इज इक्वल्स टू होता है 2r, तो यहाँ पर r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो, प्रतिरोधकता होता है रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें हमें निकालना है ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल्स टू होता है आर क्यूब यानी कि ए क्षेत्रफल जो होता है उसका मान होता है पाई आर क्यूब, क्षेत्रफल जो है किसी गोले का यदि हम क्षेत्रफल देखें तो उसका होता है पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ए, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आर हमें पता चल गया है व्यास से,
तो इसका किसी गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 0.5 है आर की वैल्यू इसका क्यूब, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0.785 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम ए का मान लिखते हैं। अब हमारे पास ए का मान आ चुका है तो हम इसको निकाल सकते हैं। फर्स्ट हमें ये निकालना है प्रतिरोधकता, तो इसको किस तरह से निकाल पाएंगे, इसमें हो जाएगा रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए। आर की वैल्यू है हमारे पास 5.55 इंटू 10^3 इंटू हमारे पास ए की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है 0.785 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 50। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है 87.135 ओम सेंटीमीटर। एक आंसर हमने निकाल दिया है। सेकंड हमें पूछा गया है विशिष्ट चालकता, यानी कि हमें कप्पा का मान पूछा गया है। हमारे पास रो आ गया तो हम कप्पा निकाल सकते हैं क्योंकि कप्पा इज इक्वल्स टू होता है सेकंड, कप्पा इज इक्वल्स टू होता है 1/रो। रो की वैल्यू हमें पता चल चुकी है यानी कि हो जाएगा 1/87.135। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.01148 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कप्पा का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो इस तरह से इसका भी मान निकल जाएगा। थर्ड हमें पूछा गया है मोलर चालकता। मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम हमें ज्ञात करना है। लैम्डा एम का सूत्र होता है कप्पा इंटू 1000/m यानी कि मोलरिटी। मोलरिटी चूँकि हमें दी गई है, कप्पा हमने ज्ञात कर लिया है, इंटू 1000 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 0.01148 इंटू 1000/0.05। इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ये होती है मोलर चालकता की इकाई, तो हमें आंसर में मोलर चालकता की इकाई भी लिखना होगा। इस क्वेश्चन में हमने तीन पद निकालने सीख लिए हैं, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मोलर चालकता से संबंधित, यदि हम क्वेश्चन देखें तो मोलर चालकता से संबंधित एक क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। इसमें आपको पूछा जाए कि 298 केल्विन पर 0.20 मोलरिटी, यानी हमको मोलरिटी दी गई, मोलर कंसंट्रेशन दी गई है। केसीएल विलयन की चालकता, केसीएल विलयन की चालकता 0.0248 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। विलयन की चालकता हमको दी गई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, तो ये किसको दर्शा रही है, ये दर्शा रही है विशिष्ट चालकता को, मतलब कि कप्पा को दर्शा रही है। हमें कप्पा का मान दे दिया गया है और हमें उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी दे दी गई है। हमें इसमें मोलर चालकता का परिकलन करना है, इसकी मोलर चालकता परिकलित कीजिए। मोलर चालकता परिकलन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या क्या वैल्यू दी गई, हमें पता है मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/c, क्योंकि यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन के रूप में वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कप्पा की वैल्यू हमें दे दी गई है। कितनी है कप्पा की वैल्यू है 0.0248 × 1000। अपॉन सी की वैल्यू भी हमें दी गई है 0.20, तो ये हो जाएगा 0.20 m। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास लैम्डा m की वैल्यू आ जाती है 124 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स लीटर। ये है लैम्डा m का मात्रक। तो इस तरह से अगर हमें मोलर कंसंट्रेशन पूछ ली जाए, हमें मोलर चालकता पूछ ली जाए, मोलर कंसंट्रेशन दी गई हो और
हमें दी गई हो मोलर कंसंट्रेशन और विशिष्ट चालकता, इनका मान यदि दे दिया गया तो हम मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। अब यदि हम फैराडे के फर्स्ट नियम से संबंधित क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट विलयन में 0.2 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित की गई। यदि कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 है तो कैथोड पर एकत्रित कॉपर की मात्रा का परिकलन कीजिए, यानी कॉपर कितनी एकत्रित हुई है उसकी मात्रा हमें परिकलित करनी है। तो ये सीधा का सीधा संबंध जाता है फैराडे के फर्स्ट लॉ से, फैराडेज़ फर्स्ट लॉ से। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ दी गई है। हमें एम्पियर में धारा दी गई है, यानी कि हमें आई का मान दिया गया है 0.2 एम्पियर। हमें समय दिया गया है, समय यहाँ पर 15 मिनट दिया गया, हमें इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा तो ये पर यहाँ पर हो जाएगा 50 × 60, यहाँ पर आया जाएगा 900 वैल्यू आ जाएगी। कॉपर का परमाणु द्रव्यमान हमें दे दिया गया है 63.5। हमें ज्ञात करना है W ऑफ कॉपर, तो W इज इक्वल टू हमें पता है ZIT होता है, जबकि Z जो होता है E/F होता है। हम E किस प्रकार निकाल पाएंगे, E जो है वो कॉपर का तुल्यांकी भार है, हमें यहाँ पर कॉपर का अनुभार, कॉपर का परमाणु भार दिया गया है, कॉपर की जो वैलेंसी होती है उसका भाग देने पर हमें इसका तुल्यांकी भार मिल जाता है। तो कॉपर का जो परमाणु भार है वो है 63.5, इसमें हम इसकी वैलेंसी का यदि भाग दे देंगे तो हमें कॉपर का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। फैराडे का मान हमको पता है होता है 96500 कूलम, तो इसका मान भी हम रख देते हैं। तो W में इसका मान रखने पर Z का मान हमें मिल चुका है, कितना है 63.5/2, 0.2 है यहाँ पर I की वैल्यू और T टाइम की वैल्यू है 900, अपॉन में आ जाएगा 2 क्योंकि हमने यहाँ पर तुल्यांकी भार इसका निकाला था, 63.5/2 या 0.2 में आ जाएगा × 96500। तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.059 ग्राम। ये हमने कॉपर की मात्रा इलेक्ट्रोड पर कितनी निक्षेपित हुई है उस मात्रा को ज्ञात कर लिया है फैराडे के फर्स्ट लॉ से। अब यदि हमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाए कि क्वेश्चन में ये पता चले कि इसमें दो तरह के, जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमें ये पता चले कि दो तरह के विलयन हैं, इसका मतलब कि दो तरह के जो है पात्र, दो पात्र हैं जिसमें दो अलग अलग विलयन भरे हुए हैं। दो अलग अलग विलयन भरने पर, यानी कि दो अलग अलग सेल होने पर उनको यदि श्रेणीबद्ध क्रम में जोड़ दिया जाता है तो फैराडे का सेकंड लॉ यूज़ में आएगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, यहाँ पर अम्लीय पानी तथा CuSO4 विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की गई, यानी कि दो तरह के विलयन हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। अब दो तरह के विलयन हैं इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि दो सेल आपस में श्रेणीबद्ध क्रम से जुड़े हुए हैं। NTP पर एक सेल में 201 cc क्यूबिक सेल है ना, क्यूबिक सेल, cc का मतलब होता है क्यूबिक सेल, इसका मतलब सेंटीमीटर ही होता है, मिलीलीटर सॉरी, इसका मतलब मिलीलीटर में ही होता है। तो 201 cc H2 निकली तथा कॉपर 0.568 ग्राम विक्षेपित हुआ, तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। हमें कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, हमें क्या क्या वैल्यू दी गई है, हमें WCU की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.568। V ऑफ H2 वॉल्यूम हमको दिया गया है cc के रूप में, वॉल्यूम दिया गया है 201 cc। अब हमें पता है कि N इज इक्वल्स टू W/M होता है, मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार N यानी मोल इज इक्वल्स टू होता है भार बटा इसका अणुभार, ये होता है। और N इज इक्वल्स टू वॉल्यूम के लिए यदि हम देखें तो वॉल्यूम अपॉन 22400 हो जाएगा। अब इन दोनों ही समीकरण को यदि हम साथ में लिख दें तो क्या हो जाएगा, W/M इज इक्वल्स टू V/H2। V किसका हमें ज्ञात है, V/H2 ज्ञात है, हमें ज्ञात करना है W/H2। तो W/H2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 201 वैल्यू है V/H2 की × 2 वैल्यू है हाइड्रोजन के मोलर द्रव्यमान की, जो कि यहाँ पर जाने से यहाँ पर ऊपर आ जाएगा × 2/2400 है इस वैल्यू से हमने जो लिखा है यहाँ पर वो।
फिर इसका फॉर्मूला लगाने पर W ऑफ Cu अपॉन W ऑफ H2, दो तरह के इलेक्ट्रोड हैं, दोनों तरफ अलग अलग पदार्थ जमा हो रहे हैं। W ऑफ Cu पता है हमें, क्वेश्चन में दिया गया है, और W ऑफ H2 हमने ज्ञात कर लिया। इससे हम E ऑफ कॉपर निकाल सकते हैं, यानी तुल्यांकी भार कॉपर का ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार जो है वो होता है, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार यहाँ पर होता है 2, नहीं, हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार यहाँ पर होता है 1। तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 0.56 है W ऑफ कॉपर इंटू 1 E ऑफ H2, और यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है W ऑफ H2 वो यहाँ पर आ जाएगा W ऑफ H2 जो लिखा है उसका जस्ट उल्टा, यानी कि 22400 ऊपर आ जाएगा और 201 इंटू 2 नीचे आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो E ऑफ Cu, E ऑफ कॉपर तुल्यांकी भार कॉपर का ज्ञात हो जाएगा जो कि है 31.6। तो इस तरह से हम फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से संबंधित क्वेश्चन को पहचान सकते हैं। अगर एक ही प्रकार का विलयन है तो उसमें फर्स्ट लॉ लगेगा, हमें उसमें विक्षेपित हुई मात्रा को ज्ञात करना है धातु की तो उसमें फर्स्ट लॉ लगेगा, और यदि दो प्रकार के विलयन हैं, दो सेल श्रेणीबद्ध क्रम से जुड़े हुए हैं तो उसमें फैराडे सेकेंड लॉ लगेगा। हम यदि नैनर्ट्स समीकरण से संबंधित क्वेश्चन देखें तो इसमें देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है। 298 केल्विन पर निम्न सेल का ईएमएफ ज्ञात करो। हमें एक सेल दिया गया है, इसका मतलब निकल इलेक्ट्रोड निकल 2+ के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, और ये सॉल्यूशन 0.01 एम है, इसकी मोलरिटी दे दी गई है, और साथ ही Ag+ का सॉल्यूशन है उसमें Ag सिल्वर का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है। इसमें E0 निकल 2+ E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान, किसका, निकल जो इलेक्ट्रोड है उसका मान भी दे दिया गया और सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड है उसका मान भी हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान दे दिया गया है। अब हमें पता है कि निकल और Ag इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किस पर होगा। ऑक्सीडेशन उस पर होगा जहाँ जिसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर की तरफ आते हैं उन धातुओं का ऑक्सीडेशन होता है। तो सिल्वर से ऊपर आता है निकल, तो निकल का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये निकल चेंज हो जाएगा 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब जो Ag+ वाले जो सॉल्यूशन है वो 2 Ag+ इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर लेंगे और Ag में चेंज हो जाएगा, यानी एनोड पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हो जाएगा रिडक्शन। अब यदि हम नैनर्ट समीकरण के अनुसार देखें तो E सेल इज इक्वल टू होता है E कैथोड माइनस E एनोड प्लस 0.0591/N log 10 बेस Ag+ इसका हो जाएगा स्क्वायर अपॉन निकल 2+ नीचे आ जाएगा, यानी कि जो उत्पाद है उसकी सांद्रता और जो अपचयित हुई पदार्थ है उसकी सांद्रता अपॉन जो ऑक्सीकृत पदार्थ की जो सांद्रता है वो, इन दोनों का अनुपात हो जाएगा। इन दोनों में इसका मान रखने पर और यहाँ पर E0 यानी इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों के जो इलेक्ट्रोड विभव हैं इनका मान यहाँ पर रखने पर हमारे पास E सेल की वैल्यू निकल जाएगी जो कि होगी 1.05 वोल्ट। तो इस तरह से हम E सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर हमें E0 एक इलेक्ट्रोड का दिया हो और दूसरे इलेक्ट्रोड का भी E0 की वैल्यू दी गई हो तो हम E सेल की वैल्यू उसके लिए ज्ञात कर सकते हैं। अब हमने एक सूत्र ये देखा था E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.059/N log Kc। ये इसका क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, इसका क्वेश्चन देखें, निम्न अभिक्रिया Zn+Cu2+ के साम्यावस्था स्थिरांक की, हमें साम्यावस्था स्थिरांक निकालना है, यानी साम्य स्थिरांक निकालना होता है जो कि है Kc। Kc की वैल्यू निकालनी है अगर हमें E0 सेल की वैल्यू दे दी गई है। E0 कॉपर और E0 जिंक इन दोनों की वैल्यू हमें दी गई है तो हम E0 सेल निकाल सकते हैं, सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव, सेल विभव हो जाएगा E0 कैथोड, इन दोनों में से कैथोड कौन सा होगा, कैथोड होगा कॉपर और जिंक होगा एनोड। तो कैथोड E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, कैथोड एनोड दोनों पे इलेक्ट्रोड विभव का मान जो है वो हमें
क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो हम ए नॉट सेल यानी सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल विभव ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें ई नॉट सेल का मान पता है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हो रहा है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और कॉपर दो इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर ये एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो अगर लॉग केसी को मैं आगे ले लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा एन की जगह 2, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन त्यागना और ग्रहण होना हो रहा है, इंटू 1.1 ई नॉट सेल की वैल्यू अपॉन 0.059। तो इसका आंसर हमें मिल जाता है ये। अब हमारे पास में वैल्यू है लॉग के सी की, लॉग के सी इज इक्वल्स टू है 37.288। अगर ऐसा कुछ आती है वैल्यू और हमारे पास एंटी लॉग की टेबल नहीं है, लॉग को अगर यहाँ से हटाएंगे तो इसके सामने वाले में एंटी लॉग आ जाएगा, क्योंकि लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के विपरीत है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर हम एंटी लॉग लगा सकते हैं। तो एंटी लॉग ऑफ 37.288 की वैल्यू कैसे होती है, इसको हम कैसे निकाल पाते हैं, इसकी वैल्यू को हम निकाल पाते हैं 10^37। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, 10^37 कर देंगे और पीछे की जो वैल्यू है, पीछे की वैल्यू को गिन लेते हैं, कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3 वैल्यू है, यानी कि इनमें से एक माइनस करके 3 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो हो जाएगा, आगे हम लिख सकते हैं 2 × 10^37। इस तरह से हम साम्यावस्था अवस्था स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड की वैल्यू दे दी जाए। तो इस तरह से हमने ये जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लिए हैं, और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में है, आप उनको करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, किसी टॉपिक का न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो आप उनको मेरे जो प्रीवियस क्लासेज हैं उनमें मैंने अलग से हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अलग अलग करवाए हैं, तो आप उनमें से वीडियो देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।